हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रही हूँ। ये है मेरा पर्पल जॉय का प्लांट जिसने काफ़ी फ्लावरिंग की है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको पानी से मैंने अभी निकाला है, इस पर कितने सारे स्नेल्स लगे हुए हैं। तो ये आप चेक कर लें पॉट्स को निकाल कर और उन्हें साफ़ कर लें इन स्नेल्स को। और फिलहाल मैं इस पॉट को खाली करती हूँ और खाली करके फिर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और ये मिट्टी जो है ये चेंज कर दूँगी, ये नहीं रखूँगी क्योंकि नई मिट्टी में इसके लिए खुराक और अच्छी खाद डालकर मैं इसे लगाऊँगी दोबारा से, ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग करे फिर से। देखिए कितने ऊपर इसका क्राउन कितना ऊपर आ गया, तो इसे फिर मैं मिट्टी में और दबाऊँगी। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं इसे खाली करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खाली कर लिया है, निकाल तो लिया ही है। आप देख सकते हैं ये इसका क्राउन है ऊपर का। अब मैं इसमें देखती हूँ इसका बल्ब कुछ बना है या नहीं बना है। नहीं बना होगा तो इसको ही मैं लगा दूँगी। ये बल्ब जो इसका लगा था इसके साथ, जो आया था प्लांट के साथ, वही है। मैं इसे वॉश करके दिखा रही हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने वॉश कर लिया है और ये इसका बल्ब है। अभी देखती हूँ इसके अंदर और कोई बल्ब बना है कि नहीं बना है। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये मिठाई का डब्बा था जिसके साथ अक्सर रसगुल्लों के साथ ये मिलता है। तो इतने ही बड़े पॉट में मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था, तो इस साल भी मैं इसी में ग्रो करूँगी। इसको आप अच्छी तरह से वाश करके सुखा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्नेल्स के एग्स वगैरह यहाँ वहाँ चिपके रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको रिपोर्ट करने के चक्कर में जल्दी दिखा रही हूँ, पर आप इसे सुखा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे मैंने खाली करके वॉश कर लिया है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक लेयर सॉइल की, जो मेरी गार्डन सॉइल है, वो डाल रही हूँ। ये गार्डन सॉइल है मेरी, जो मैंने इसमें एक लेयर डाल दी है। और उसके बाद काउडंग कंपोस्ट है, वो मैं डालूंगी। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से ये लोग लगाते हैं, अपना अपना तरीका है, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी उसी तरीके से लगाएं, पर जिस तरह से मैं लगा रही हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लगा रही हूँ। पिछले साल तो आपने देखा ही होगा, उसमें लगातार बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, होप करती हूँ इस साल भी होगी। अब मैं इसमें एक लेयर काउडंग कंपोस्ट की डालूँगी। ये काउडंग कंपोस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर अगर पत्थर पत्थर है तो आप उसे निकाल दें और अच्छी तरह से इसमें फैला दें। और फिर इसमें एक लेयर फिर मैं सॉइल की डाल रही हूँ, एक पतली सी लेयर फिर सॉइल की डाल दी है और एक हल्की सी लेयर फिर काउडंग कंपोस्ट की लगाऊंगी इसमें। अब मैं टोटली इसे सॉइल से फिल करूँगी, अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूँगी। मेरे पास गार्डन सॉइल अवेलेबल है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो क्ले सॉइल ले सकते हैं, रेड सॉइल ले सकते हैं, कोई भी ऐसी मिट्टी, चिकनी मिट्टी ले सकते हैं जो पानी को होल्ड करके रहे और पानी को गंदा ना करे। बस याद रखें कि आप सैंडी सॉइल ना यूज़ करें इसमें। आप देख रहे थे भी मैंने निकाला तो इसका क्राउन कितना ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोड़ूंगी ऊपर से खाली, क्योंकि प्लांट अपने आप ही फिर ऊपर आ ही जाता है धीरे धीरे। ये इसका जो बल्ब है, इसमें फ्रेंड्स कोई बल्ब एक्स्ट्रा नहीं निकला है और ये खाली एक ही जो उसके साथ लगाया था मैंने वही निकला है। तो मैं इसे इसमें लगा रही हूँ, इसका क्राउन एरिया ऊपर रखूँगी और बस हो गया। इसको थोड़ा सा मैं दबा दूँगी। और जो फ्रेंड्स इसकी जो मिट्टी अभी मैंने इसमें से निकाली है, जैसे आप लोग सिटी में रहते हैं, हमारे इधर तो अभी मिट्टी हमें मिल जाती है, पर जैसे नहीं मिलती तो आप इस मिट्टी को सुखाकर इसे रीयूज़ कर सकते हैं, पर बार बार आप कंटिन्यूसली इसे यूज़ ना करें।
फ्रेश सॉइल डालने से रिजल्ट अच्छे रहते हैं, तो ये मैं इसलिए इसमें फ्रेश सॉइल डाल रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से दबा दिया है और मैं अब इसे टब में डालने जा रही हूँ। ये इसे मैं टब में डाल रही हूँ। हमारे यहाँ फ्रेंड्स ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। अब फैब में देख धीरे धीरे ये मैंने इसे डाल दिया, थोड़ी देर बाद ये पानी क्लियर हो जाएगा, करके दिखाई देगा अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज पर्पल जॉय का प्लांट की रिपोर्टिंग दिखाई है, वाटर लिली की। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे और प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी, वो दिखाऊँगी आपको। आप देख सकते हैं, देखो ये मेरा वैन दिशा था, देखो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है अभी, तो इसको भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे रिपोर्ट करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। फ्रेंड्स होप यू लाइक द वीडियो।